स्टूडेंट्स, मैं सभी विद्यार्थियों को यानी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जहाँ भी हो सुरक्षित रहें और अपने मेहनत जारी रखें। ठीक है, ऑनलाइन से ही अपना कोर्स को देखते रहें, आगे कोर्स बढ़ता जाए ताकि नियमित समय पर हम लोग का कोर्स पूरा हो और हम लोग फिर एग्जाम में भाग लें। तो चलिए, 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैथ की क्लास होगी। पिछले दिन ज्योमेट्री में कुछ प्रॉब्लम या चैप्टर का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किए थे। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम है जो आज देने जा रहे हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थी कॉपी कलम खोल लें और चलिए पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे। ठीक है, तैयार हो गए सर जी? आप तैयार हो गए ना? चलिए, तो चैनल से जो भी लड़के जुड़े हुए हैं वो भी कॉपी कलम निकाल लीजिए पहले, और कॉपी कलम निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर, चलिए ये शायद आपका पांचवा क्वेश्चन होगा और आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग सभी विद्यार्थी क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बगल के चित्र में, ठीक है, लिख रहे हो, बगल के चित्र में बताएं कि अल्फा के किस मान के लिए, देखिए क्या अल्फा है, तो बोलता है अल्फा के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा होगी। ठीक है, फिर से एक बार बताएं कि अल्फा के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा होगी। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर दो लिखेगा। क्वेश्चन नंबर दो का फिगर के सामने दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। कहता है कि यदि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z, ठीक है, तो सिद्ध करें कि, ठीक है, लिख रहे हो जी, क्या लड़का लिख रहे हैं, सिद्ध करें कि AOB एक सरल रेखा होगा। क्या होगा जी? AOB एक जो होगा सरल रेखा होगा। क्लियर क्वेश्चन लिखिए। अब सबसे पहले चलेंगे इसको हम लोग हल करने से पहले बताए गए सभी लड़के कि आप लोग को बताए थे सरल रेखा की कंडीशन। ठीक है, समझ गया सर के, आप लोग को बतलाए थे याद किए कि यदि किसी बिंदु पर दो किरण आकर के मिलती है और यदि दोनों किरणों के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाता है तब बोलते हैं कि एक रैखिक कोण हो गया। और रैखिक कोण का मतलब होता है जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि BOA एक सरल रेखा होगा, मतलब BOA माने O पर देखिए दो किरण मिला, एक देखिए OA है और एक देखिए OB है। अब कहता है कि BOA कहता है कि एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के मतलब बताइए कि वो कोण आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर ना? अब यहाँ पर लिखोगे चूंकि BOA एक क्या है, सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा है इसका मतलब कि यहाँ पर जो O पर कोण बनेगा आप लोग लिख सकते हैं कि BOA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों रहेगा बस के कहीं भी कोई कह दे कि सरल रेखा है, सरल रेखा पर तीन वो बिंदु अगर देता हो तो समझिए उस बिंदु पर दोनों किरणों के बीच का कोण 180 डिग्री हो गया।
जैसे कि मानते हैं कि आपका एक बिंदु है और इस बिंदु पर एक किरण आकर के मिला और एक किरण चल कर के यहाँ से ए मिला। देखा जाए सब लड़के, अब इस ओ बिंदु पर बताइए आपने के किरण लिया, दो किरण लिया, एक ओए लिया और एक मान लेते हैं कि ओ भी लिया। अब कहता कि बी ओ ए एक सरल रेखा है, एक मतलब मैं बताऊं कि यहाँ पर मिला के कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। कौन है कोण बी ओ ए जब सरल रेखा होगा एक मतलब कि कोण कितना होगा, 180 होगा। अब यहाँ पर देखा है बी ओ ए में देखा है डबल कोण है, तो एक हो गया देखा है ए ओ सी, एक हो गया बी ओ सी, हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर लिखोगे कि कोण हो गया ए ओ सी और प्लस हो गया देखिए बी ओ सी बराबर हो गया 180। ठीक है, अब यहाँ से बोलना है सब लड़के ए ओ सी आपका यहाँ पर देखिए 3 अल्फा दिया है, आप बी ओ सी आपका दिया 2 अल्फा प्लस 20 दिया है, बराबर मिलाकर को 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 2 5 अल्फा हो गया, ठीक है 3 2 5 हो गया है, तो 3 और 2 जोड़ दिए 5 अल्फा हो गया, आई प्लस 20 तो उधर माइनस 20 हो गया। अब 180 में 20 घट गया यानी 160 डिग्री हो गया। इससे यहाँ पर देखा जाए आपको कहेगा कि अल्फा बराबर हो गया 160 बटा कितना 5, तो पंक्ति है 15, बाकी बच गया 1 का 5 गुनी 10, इसलिए आपने कहेगा कि अल्फा का मान कितना हो गया 32 डिग्री हो गया। समझ गए सब लड़के, देखिए क्वेश्चन नंबर जाने मेन क्वेश्चन का जो अर्थ है वो उसको समझना चाहिए कि क्वेश्चन आके क्या कह रहा है और जो क्वेश्चन कर रहा है उसे तो हम सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सब विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 में जरा सब सुने क्या क्या प्रश्न में, प्रश्न में देखिए कहता है एक्स प्लस वाई मतलब ए और ई एक दोनों मिला करके जो कोण हो रहा है वो डब्लू प्लस जेड, ये डब्लू और जेड के दोनों के जोड़ करके बराबर है। ये कंडीशन है, बस रहो कंडीशन दिया है कि एक्स प्लस वाई, ठीक है एक्स प्लस वाई कितने होना है, और नीचे में जो लिखा है वह दिया है डब्लू प्लस जेड, मतलब एक दोनों कोण और एक दोनों कोण का योगफल आपस में क्या है बराबर है। अब आप लोग बताइए सर विद्यार्थी सोचिए कि ओ बिंदु पर देखा गया क्यों किरण मिला है, 4 किरण है, एक देखा गया ओए है, एक ओबी है, एक ओसी है और एक ओडी है। अब आप ही लोग बताइए कि ओ पर बताओ 4 कोण बना है, चारों लेकर के अगर घूम जाते हो तो बताओ ये कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 360 डिग्री का पूर्ण कोण बनेगा है। अगर यहाँ से लेकर के चलते हो घूमते 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 पूरा एक बार घूम गया, तो एक बार घूमने का मतलब होता है ये आपका पूर्ण कोण हो गया। अब पूर्ण कोण का मतलब होता है उसको मिला के कितना बोलेगा, 360 डिग्री। ठीक है जी, वो दिक्कत करना है दिक्कत हो तो हम समझिए। देखिए इसलिए आप लोग सब विद्यार्थी को ज्योमेट्री जो बोलते हैं शुरू में कि ज्योमेट्री थोड़ा सा अगर भारी लगता है इसलिए उसको धीरे धीरे करके आप लोग रास्ता खुला रहे ताकि आप आगे चल कर के आप समस्या नहीं बने। तो यहाँ पर आप लोग कहिएगा सोचिए कि ए ओ सी और सी ओ बी और बी ओ डी और डी ओ ए ये चारों को मिला के कितना कहोगे, 360 डिग्री कहोगे ना। बोलिए जी बोलिए कहोगे कि कोण ए ओ सी प्लस कोण हो गया सी ओ बी प्लस हो गया देखिए आप बी ओ डी देख रहे हो ना, बी ओ डी और प्लस डी ओ ए, तो डी ओ ए ये सब मिला के कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। क्लियर, अब ए ओ सी का मान देखिए दिया है आपका बाई दिया है, ठीक है जी, सी ओ बी का मान देखिए एक्स दे दिया है,
फिर बोलेगा डी ओ डी का मान देके डब्लू दिया है और डी ओ ए का मान देके ए दिया है या कि सॉरी जेड दिया है। अब ये चारों को उनका माप जो है मिला करके आपका 360 डिग्री हो जाता है। अब प्रश्न में दिया है कि एक्स और वाई दोनों जोड़ करके डब्लू और जेड के बराबर है, तब तो डब्लू और जेड के जगह पर एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। तब यहाँ पर देखिए तुम्हारा हो गया यानी वाई प्लस एक्स और इसके जगह पर भी कर दिया एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 360। अब यहाँ पर बोलेगा एक्स एक्स हो गया टू एक्स हो गया और वाई वाई देखिए टू वाई हो गया बराबर हो गया 360 हो गया। अब दो और दो यहाँ पर देखिए कॉमन ले लिए तो गया एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 360। ठीक है, अब यहाँ पर से लड़के बोलिएगा अभी दो गुना में है उधर क्या कर दोगे भाग में कर दोगे, तब यहाँ पर कहोगे कि एक्स प्लस वाई अब इधर दो देकर मल्टीप्लाई गुना में उधर भाग हो जाएगा तो हो गया 180। अब आप बोलिएगा तो एक्स प्लस वाई ये दोनों मिला के कितना हो गया 180। तो इसको कह सकता है तुम लोग ए ओ बी दोनों को न, इसका मतलब हो गया कि ए ओ बी जो हो गया ए बताओ 180 हो गया। 180 का मतलब इसको रैखिक कोण कहोगे, कौन कौन कहेगा हाँ रैखिक कोण कहेंगे। तो बताओ ये ओ पर जो कोण बना ये दोनों मिला के कितना हो गया 180। एकर मतलब कि बताओ इस सरलरेखा में लग नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ए ओ बी क्या होगा एक सरल रेखा होगा। ठीक है जी, एक सरल रेखा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी तुमको सीख करने के रहे कभी भी तीन को बिंदु देकर के बोले कि सीख करके देख रहा हूं कि सरल रेखा होगा, तो जहां सरल रेखा सीख करने के लिए कहे एकर मतलब उसमें तीन को बिंदु में जो बीच वाला बिंदु हो रहा है उस बिंदु पर आपको सीख करके दिखाना होगा कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो जब भी मैंने सरल रेखा की बात करेगा तो तुमको सिद्ध करके दिखाना होगा कि वो बिंदु पर या बीच वाले बिंदु पर जो कोण बन रहा है वह 180 डिग्री का है। अगर ये आप सिद्ध करके दिखा देते हैं एकर मतलब कुछ समझिए सरल रेखा है। और अगर प्रश्न इस तरह की बात कहे कि सरल रेखा है ये प्रश्न में दे दिया तो प्रश्न में अगर दे देता है कि सरल रेखा है एकर मतलब समझिएगा उसमें जो बीच में बिंदु दिया है उस बीच में बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बना। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर कभी भी अगर तुमको मिलता हो किताब में या बुक में तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आज दो प्रॉब्लम आप लोग दिए हैं और इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर लास्ट करते हैं। गुड नाइट, धन्यवाद।